सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बैरिया बाईपास रोड होटल चंद्रा रेसिडेंसी के बगल में आरुषीन आईएएस एकेडमी का फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि प्रशिक्षु आईएएस दिलीप सिंह शेखावत व पूर्व सांसद इंद्र सिंह नामधारी ने किया। मौके पर काफी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक व एकेडमी के कर्मी मौजूद थे। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एकेडमी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि डाल्टनगंज जैसे शहर में आईएएस एकेडमी का खुलना इस बात को साबित करता है कि हमारा शहर विकास कर रहा है। साथ ही एकेडमी के निदेशक सौरभ सुमन मिश्रा के हौसले की भी जमकर तारीफ की। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज सबसे पहले चीज यही बताना चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। जब आप एक परीक्षा दे रहे होते हैं, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है कि कौन से गांव से आते हैं कि शहर से आते हैं, दसवीं बारहवीं में अच्छे नंबर थे कि खराब नंबर थे, परिवार की स्थिति अच्छी है या फिर ठीक ठाक है, वो सब ज़्यादा मैटर नहीं करता है। 19-20 का फर्क होता है उसमें। जो मैटर करता है वो एक ही चीज़ कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट किया है जिससे हमें बहुत मदद मिलती है। अपनी डेली रूटीन के अंदर दो टाइम फिक्स कर दीजिए, एक तो सोने का है, एक उठने का। रात को 10 बजे सो जाएगी और सुबह 4 बजे 5 बजे उठने का टाइम अगर आपने फिक्स कर लिया, उसके साथ समझौता नहीं करना। ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए, आपकी सारी प्लान की भी चीज़ें शेड्यूल में आ जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। आज का कार्यक्रम अरुषीन आईएएस एकेडमी का के ओपनिंग पे था। उसमें मुख्य अतिथि हमारे दिलीप सिंह शेखावत जी थे, आदरणीय इंद्र सिंह नामधारी जी और हमारे लोकप्रिय गुरु जी एससी मिश्रा जी यहाँ पे थे। और ये संस्थान को खोलने के पीछे एक उद्देश्य है कि हमारा क्षेत्र बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अगर बात की जाए मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए, तो उनके बस में ये नहीं है कि वो बाहर देश में बाहर के शहरों में भेजकर अपने बच्चों को पढ़ाई करा सकें। तो मेरा एक उद्देश्य था कि जो सुविधाएं बाहर के शहरों में मिल रही है, वही सेम सुविधाएं यहाँ के बच्चों को मिली। और इसी के तहत मैंने ये सब काम किया, सब कुछ फ्री कराया मैंने बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई और किताब कॉपी हर चीज़ मैंने फ्री कराने की कोशिश की। और कोशिश करूँगा कि मैं आगे हर चीज़ को फ्री करूँ, क्योंकि भगवान ने अगर मुझे एक सक्षम बनाया है उस लायक दूसरों को मदद करने के लिए, तो मैं ज़रूर करूँगा।